Hello students, already we have done the Cayley-Hamilton theorem. So now Sylvester theorem. Okay. And what is its applications? Sylvester theorem क्या होता है वो देखेंगे. And then what is the application? Why Sylvester theorem is here? Otherwise without the Sylvester theorem we miss something. मतलब हम complicated examples अगर है तो सिल्वेस्टर थ्योरम के विदाउट सिल्वेस्टर थ्योरम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. व्हाट द रीजन? सिल्वेस्टर थ्योरम में स्टेटमेंट पहले देखते हैं. सिल्वेस्टर थ्योरम इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? 2x2, 3x3, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हियर आई यूज द ओनली ऑर्डर इज 2x2. ओनली ऑर्डर इज 2x2. 2x2 मतलब देखो 1003 -1421, दिस इज द 2x2, 01 -23. ठीक है. अब सिल्वेस्टर से ये तीनों एग्जांपल मैंने दिया है, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फॉर द 6 मार्क्स. ठीक है. टॉपिक बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा. बिकॉज इन यूर सिलेबस स्टेटमेंट अगर पूछते स्टेट द सिल्वेस्टर थ्योरम तो वी गेट द 1 मार्क्स. एंड आफ्टर दैट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी गेट द 5 मार्क्स. अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया तो डायरेक्टली फॉर दिस क्वेश्चन वी गेट 6 मार्क्स. फॉर दिस क्वेश्चन वी गेट 6 मार्क्स. नाउ हियर इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर? 2x2. 2x2 मुझे द हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू. इसके पहले आपने निकाले थे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा की वैल्यू. मुझे तो लैम्डा निकालने के लिए आप क्या करते थे? ए लिखते थे. ठीक है. आप क्या लिखते थे? ए लिखते थे. फिर उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखते थे, है ना, ए माइनस लैम्डा आई. ठीक है. उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालते थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था, ये इस तरीके से आता था. ठीक है. यहां थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा. मुझे था हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू λ1 and λ2. ठीक है. मतलब ये स्टेटमेंट याद करने के लिए देखो, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 and λ2. पी ऑफ ए इज द वन ऑफ द पॉलिनोमियल. इन व्हाट ए? पी ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल आप जानते हो, ठीक है, पर वो कौन सी फॉर्म है? ए. ए मतलब क्या? मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए इक्वल टू देखो सी नॉट आई बढ़ते गया सी वन ए सी टू ए स्क्वायर अब टू द सी एन ए रेस पर है. मतलब पी ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल. मतलब याद कैसे करना है? ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. पी ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में? इन ए, है ना. वो किस तरीके दिखता? पी ऑफ ए इक्वल टू सी नॉट आई प्लस सी वन ए प्लस सी टू ए स्क्वायर सी एन एन स्क्वायर है. वॉट इज द सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, ये सारे कॉन्स्टेंट है. आई क्या है? एडिटिव मैट्रिक्स, है ना. अगर ये है तो पी ऑफ ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है. किस तरीके से? पी ऑफ ए मतलब मेन तो आपका फॉर्मूला ये है. मेन तो फॉर्मूला आपका ये है, पी ऑफ लैम्ब्रा वन जेड ऑफ लैम्ब्रा वन पी ऑफ लैम्ब्रा टू जेड ऑफ लैम्ब्रा टू. मतलब आपको ये चारों वैल्यू निकालना है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. What is the P of A? P of A equal to P of lambda 1, Z of lambda 1, P of lambda 1, Z of lambda 1, P of lambda 2, Z of lambda 1. इन दोनों के एडिशन करना है, we get the answer. मतलब चार वैल्यू आपको निकालना है. साथ ही आपको P of A क्या है ये भी ढूंढना है. मतलब इसको सर्च करना है. ये सर्च कहाँ करेंगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा. अब यहाँ क्वेश्चन में कैसे? What is the P of A? मुझे होता ए रेस पर 50. समझ में आया? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द सिल्वेस्टर थ्योरम? मुझे तो ए दिया ए रेस पावर 50, मतलब 50 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेटर से पॉसिबल है, मैन्युअली भी पॉसिबल है. मैन्युअली अगर ए रेस पावर 50 करते बैठोगे काफी समय हो जाएगा. कैलकुलेटर से भी ए रेस पावर 50 ए इंटू ए नॉट पॉसिबल. तो सिल्वेस्टर ने क्या किया? वन थ्योरम इज गिवन टू यू. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट द ए रेस पावर 50 आंसर. रेशवर 50 आंसर, है ना. मतलब हम डायरेक्टली सॉल्व करते. समझ में आया सिल्वेस्टर थ्योरम क्यों आया? ठीक है. तो मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? ये चारों वैल्यू, है ना, पी ऑफ लैम्ब्रा 1, पी ऑफ लैम्ब्रा 2. अब देखो पी ऑफ लैम्ब्रा 1 और पी ऑफ लैम्ब्रा 2 बहुत इजी निकल जाता है.
पी ऑफ लैम्डा वन और पी ऑफ लैम्डा टू, लैम्डा वन और लैम्डा टू आ ही जाता आपके पास, वी नो द लैम्डा वन लैम्डा टू, उसके बाद पी ऑफ लैम्डा वन और पी ऑफ लैम्डा टू निकालना बहुत ही इजी, क्लियर है? दैट टू फाइंड द पी ऑफ लैम्डा वन एंड पी ऑफ लैम्डा टू इज वेरी इजी. अब मुझे बता निकालना क्या है, जेड ऑफ लैम्डा वन और जेड ऑफ लैम्डा टू. यहां देखो जेड ऑफ लैम्डा वन एडजॉइंट ऑफ लैम्डा वन आई माइनस ए डिवाइडेड बाय फाइव डैश ऑफ लैम्डा वन. अब ये याद करके रखना पड़ेगा, बस एक फॉर्मूला याद करके रख लो तो दूसरा फॉर्मूला उससे ही लिख सकते हैं. व्हाट इज जेड ऑफ लैम्डा वन एडजॉइंट ऑफ लैम्डा वन आई माइनस ए. कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है. मुझे बता लैम्डा आई माइनस ए पहले है, इसके पहले ए माइनस लैम्डा आई लिखते थे, ए माइनस लैम्डा आई याद है. अब हमें वैसे भी नहीं लिखना है, यहां लिखा है फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्डा आई. अगर आपने ए माइनस लैम्डा आई लिखा तो आपका लास्ट में आंसर जिस तरह से चाहिए वो नहीं आता है. तो हमेशा याद रखना फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्डा आई. क्यों? यहां देखो लैम्डा आई माइनस ए, हाँ एक बार लैम्डा वन लिखा है तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला इस तरीके से है. तो हमें अब आपकी आदत इतनी बन गई है टू फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर में आप ए माइनस लैम्डा लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ए माइनस लैम्डा इज द अगेन द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और लैम्डा आई माइनस ए इज द अगेन द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. बट फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्डा आई. हमेशा याद रखो सिल्वेस्टर मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो डोंट यूज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ द ए माइनस लैम्डा आई. आपको किस में लिखना है लैम्डा आर माइनस ए. तो यहां मैंने जानबूझ के इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, इंपॉर्टेंट इज दिस वन डोंट यूज ए माइनस लैम्डा आई, यूज लैम्डा आई माइनस ए. क्योंकि लैम्डा आई माइनस ए तो हमें लैम्डा वन आई माइनस ए निकालना बहुत इजी जाएगा, ठीक है? अब मुझे ये याद रखना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द जेड ऑफ लैम्डा वन एडजॉइंट ऑफ लैम्डा वन आई माइनस ए डिवाइडेड बाय फाइव डैश ऑफ लैम्डा वन. देखेंगे फाइव डैश. अब आपका कंफ्यूजन बढ़ गया है सर, अभी तक तो हमने एडजॉइंट ऑफ लैम्डा वन आई माइनस ए नहीं निकाला, फाइव डैश ऑफ लैम्डा वन नहीं निकाला. जब एग्जाम्पल से हम मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये कवर होगा, ठीक है? मुझे तो इसको ही कॉपी करना है, सिर्फ लैम्डा वन की जगह लैम्डा टू है ना, और यहाँ पे फाइव डैश है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फाइव लैम्डा वन, ठीक है? दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फाइव डैश. अब सर करना क्या है, स्टेटमेंट भी याद होगी मतलब समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया. अब एप्लीकेशन देखो a इक्वल टू 1001 फाइंड द ए रेस पावर 50 बाय यूजिंग द सिल्वेस्टर थ्योरम. अब मुझे बताया देखो ये लेफ्ट साइड p ऑफ a है, राइट साइड है ए रेस पावर 50 क्या है p ऑफ a. यहां मतलब ए रेस पावर 50 इज द पॉलिनोमियल इन ए, ठीक है? यहां पॉलिनोमियल कौन है देखो ये 3 tan a, a चिपक के है tan को और tan 3 * a मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए बोल रहा है. तो tan a 3 tan a इज नथिंग बट द p ऑफ a, थ्री टैन ए नथिंग बट द पी ऑफ ए क्योंकि ये ए अटैच है मतलब थ्री टैन ए इज द पॉलिनोमियल. मुझे तो ए इक्वल टू 01 माइनस 23 शो दैट लॉग ई रेज़ टू द पावर ए इक्वल टू ए व्हिच वन इज द पी ऑफ ए, दिस इज द पी ऑफ ए, दिस इज द पी ऑफ ए, दिस इज द पी ऑफ ए. क्या क्या याद रखना है, सिल्वेस्टर में, सिल्वेस्टर मतलब एस सिल्वेस्टर में ए माइनस लैम्डा आई आपको नहीं लेना है, डोंट यूज दिस. आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लैम्डा आई माइनस ए. अब मुझे तो हम भूल जाते हैं तो हमेशा याद रखना, मतलब मैं एक ट्रिक बता दू सिल्वेस्टर फॉर सिल्वेस्टर कहां से चालू होता है एस से है ना, उसको रोटेट करो 90 डिग्री पर तो भी एस आएगा मतलब घूम फिर के वही, घूम फिर के वही, ठीक है? मतलब ई माइनस लैम्डा ना लिखते हुए मतलब एक कनेक्ट करने के लिए दिमाग में रखने के लिए ई माइनस लैम्डा इक्वल डोंट यूज द ई माइनस लैम्डा. मुझे तो कितनी वैल्यू निकालना है आपको पी ऑफ लैम्डा वन जेड ऑफ लैम्डा वन पी ऑफ लैम्डा टू जेड ऑफ लैम्डा टू. मतलब सिल्वेस्टर का यूज किया ए रेश पर 100 लो, ए रेश पर 50 लो विदाउट मतलब मैन्युअली और कैलकुलेटर से बहुत हार्ड जाएगा. तो यहाँ पे आपको ए रेश पर पी ऑफ ए ढूंढना है और ये चारों वैल्यू यहाँ रखना है, वी गेट द ए रेश पर 50, वी गेट द ए रेश टू पावर 50, क्लियर है? थैंक यू. हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल लेंगे.